एवरीवन, दिस इज योर सुमन। इफ यू न्यू टू दिस चैनल, देन आपको क्या करना है, आपको करना है बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड उसके बोल में जो घंटी है पॉप अप करके आता है उसे भी आपको ऑल पे जाके बस प्रेस कर देना है। वैसे आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे, बस बिगनर मेकअप किट। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट क्या है कि बिगनर मेकअप किट है, उसके साथ ट्विस्ट ये है कि मैं आज आप लोगों के साथ ये वाला लुक जो है शेयर करने वाली हूँ। मैं प्रोडक्ट के साथ साथ आपको बताते जाऊँगी कि कब क्या लगाना है और कैसा लगाना है, ठीक है, और किस प्रोडक्ट को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऑफकोर्स मैंने बोला बिगनर मेकअप किट, इसका मतलब है कि बिगनर के लिए। तो बिगनर को पता नहीं होता कि हम किस प्रोडक्ट को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कितने कितनों को ये भी नहीं पता होता कि हम किस प्रोडक्ट को, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस चीज़ के लिए, मतलब किस प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कई बार होता है कितने लोग बिगनर मेकअप किट शेयर कर देते हैं तो बस प्रोडक्ट को दिखा देते हैं, जिससे क्या होता है जो बिगनर होते हैं उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि हमें वो प्रोडक्ट लेना चाहिए, एक्चुअली में उन्हें नीड है या नहीं है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ प्रोडक्ट भी शेयर करते चाहूँगी एंड साथ ही साथ आप लोगों के साथ मेकअप लुक भी शेयर करूँगी, जिससे आपको ये पता हो जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस प्रोडक्ट की नीड है और किस प्रोडक्ट की नीड नहीं है। अगर इतने में ही आपका काम बन जाता है, इतने ही प्रोडक्ट आपको चाहिए, ऐसा ही लुक आपको चाहिए, तो आपका इतने ही प्रोडक्ट में काम बन जाएगा, ज़्यादा इधर उधर तामझाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर और आपको हैवी लुक चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताना। तो या वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, मेकअप में बेसिकली चार स्टेप होते हैं। फर्स्ट क्लींजिंग हो जाता है आपका, सेकंड आपका मॉइस्चराइजिंग हो जाता है, और थर्ड आपका बेस हो जाता है, एंड फोर्थ आई मेकअप। इन दोनों में आपके पास चॉइस है, आप आई मेकअप पहले कर लो या फिर बेस कर लो, या आप पहले बेस कर लो फिर आई मेकअप कर लो। तो हम पहले क्लींजिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप फेस वॉश करो, तो आप रोज वाटर से अपना फेस क्लीन कर सकते हो रोज़ वाटर की हेल्प से। बट मैंने अभी फेस वॉश जस्ट करके आई हूँ, तो मैंने फेस वॉश कर लिया। क्लींजिंग वाला स्टेप हमारा हो गया, मैंने फेस वॉश कर लिया है। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ पोन्स का लाइजल मॉइस्चराइजर। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी समर है तो समर के लिए बेस्ट है। ओके, हम यहाँ तो फटाफट से मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। ऑल ओवर द फेस देखो, मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेकअप से पहले कि आप मॉइस्चराइजर लगाओ, अपनी स्किन को हाइड्रेट करो, मॉइस्चराइज करो। इससे आपका जो फेस है वो भी सेफ रहेगा, और साथ ही साथ क्या होता है आपका मेकअप भी बहुत अच्छा होता है, फ्लॉलेसली आपकी फेस पे आपका एक बेस तैयार हो जाता है। तो मॉइस्चराइजर को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, मॉइस्चराइजर को लगाना है, ठीक है। ओके, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना होता है ताकि हमारे स्किन पे ये एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे स्किन पे ये अंदर चला जाए, ठीक है, बेसिकली ये अपना काम करे। तो उसके बाद हम अपना सेकेंड स्टेप स्टार्ट करेंगे। मॉइस्चराइजर के बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे सनस्क्रीन, लैक्मी का सन एक्सपर्ट 40 SPF का PA++++। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि सन की जो यूवी किरणें हैं आपके स्किन को डैमेज ना करें। अगर जो आप डे टाइम मेकअप कर रहे हो तो सनस्क्रीन आपको लगाना मस्ट है, आपको इसे स्किप नहीं कर सकते, आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन को स्किप नहीं कर सकते। तो हम जल्दी जल्दी से सनस्क्रीन लगा लेते हैं। सनस्क्रीन हमारा हो गया है। सनस्क्रीन लगाने के बाद हम आते हैं अपने अगले स्टेप पे जो कि है बेस। बेस के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादा झंझट नहीं करना चाहते, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते जैसे कि प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, तो आप इन तीनों को हटा के एक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो जो कि है बीबी क्रीम। तो आप कोई सा भी बीबी क्रीम ले सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी लैक्मी का बीबी क्रीम क्योंकि मुझे ये पसंद आता है, तो आप वो देख लो। तो फिलहाल के लिए मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ फाउंडेशन के साथ। तो फाउंडेशन हम लगाएंगे तो पहले हमें लगाना होगा प्राइमर। तो प्राइमर यहाँ पे मैं इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये बेस्ट है बिगनर के लिए और अच्छा भी है और बजट में भी। आज जितना भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ सारा बजट में है, बिगनर के लिए बेस्ट है। तो बेसिकली हम प्राइमर क्यों लगाते हैं, आपको पूरे फेस पर नहीं लगाना होता, वहाँ लगाना होता है जहाँ टी जोन एरिया में बेसिकली हम लगाते हैं, वहाँ लगाना होता है जहाँ स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और जहाँ आपके पोर्स हैं, ठीक है। तो मेरी स्किन ऑयली स्किन है तो मुझे लगाना पड़ता है फोरहेड पे, चीक पे एंड चिन पे। तो हम यहाँ पे जल्दी से लगा लेते हैं।
प्राइमर हम क्यों लगाते हैं? प्राइमर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे बेस को एक स्मूथ फिनिश दे, ताकि हमारा फाउंडेशन बहुत फ्लॉलेसली ब्लेंड हो जाए और आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो मेकअप है, वो लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे आपके फेस पे। और जो भी केमिकल होता है लाइक फाउंडेशन और कंसीलर वगैरह में जो केमिकल होता है, वो आपकी स्किन के अंदर जाने नहीं देता, एक आपके फेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ये प्राइमर, जिसकी वजह से फाउंडेशन आपकी स्किन के अंदर नहीं जा पाता, तो ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता। तो इसलिए प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्राइमर हमारा हो गया है, प्राइमर के बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ Lakme का इनविजिबल फाउंडेशन। ये मुझे बहुत ही पसंद है, अफोर्डेबल रेंज में मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आज इसे ही यूज़ करूँगी। आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, मैंने थोड़ा सा लिया है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही लेना है। एंड आपको ऐसे स्प्रेड करके नहीं लगाना है, आपको डॉट डॉट करके पहले अपने पूरे फेस में लगा देना है लाइक दिस, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा ही लेना है। और ये मेकअप डे टाइम के लिए है, तो हम उस हिसाब से देख रहे हैं ताकि बंदर भालू ना लगे बाहर जाने के बाद। आपको यहाँ पे भी लगाना है, बट हमारा यहाँ वो ढका हुआ है तो वहाँ पे लगाएंगे नहीं। ओके, फाउंडेशन तो हमने लगा लिया है, तो अब बारी आती है इसे ब्लेंड करने की। तो इसे ब्लेंड आपको कैसे करना है? हाथ से ऐसे ब्लेंड करोगे, ब्रश से करोगे? नहीं, आप बिगिनर हो तो आपको ब्रश से बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करना है, क्योंकि अगर ब्रश से करोगे तो अच्छे से नहीं। आपको ब्लेंड करना है अपने बेस को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो क्या आप इसे सूखे सूखे यूज करोगे? नहीं, आपको इसे वेट करना है पानी की हेल्प से, ठीक है? जैसे कि इसमें मेरा पानी है, ठीक है, तो हम इसमें ऐसे डुबा देंगे और ऐसे स्क्वीज करेंगे इसका सारा पानी, इसको पिला देंगे बेसिकली। तो इसका ना साइज जो है ऑटोमेटिकली थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा हो जाता है, ये अपना साइज चेंज कर लेता है। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे हम ऐसे स्क्वीज करके सारा निकाल देंगे, और इसके बाद थोड़ा बहुत जो पानी इसमें रह गया है उससे भी हम पानी के साथ इसे ऐसे हैंकी के साथ इसका वो भी पानी निकाल देंगे, ठीक है? तो अब इसका सारा पानी निकल चुका है, अब हमारा ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है ब्लेंड करने के लिए, तो हम इसे अब ब्लेंड करेंगे। तो अब जो हमारा ये ब्लेंड होगा बहुत अच्छे से फ्लॉलेसली ब्लेंड होगा, और ब्लेंड होने के बाद एक स्मूथ और नेचुरल फिनिश देके जाएगा। लुक एट दिस, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हमने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाया है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा, और डे टाइम के लिए परफेक्ट है। हाँ, अगर आप बीबी क्रीम यूज़ करते हो फाउंडेशन के जगह पे, तो आपको प्राइमर नहीं लगाना है, डायरेक्ट बीबी क्रीम लगाना है, तो बीबी क्रीम को भी आपको इतने ही अमाउंट में लगाना है, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जैसे मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड किया है वैसे ही करना है। आपको ऐसे रगड़ना नहीं है, आपको ऐसे डैप डैप करके ब्लेंड करना है, ठीक है? ओके, हमारा फाउंडेशन हो चुका है, तो इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंसीलर। कंसीलर के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये मुझे अफोर्डेबल रेंज में बहुत ज़्यादा पसंद है और एक्चुअली में बहुत अच्छा है। तो हम थोड़ा सा कंसीलर लेंगे, अगेन हम डे टाइम के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेंगे, ठीक है? हम ज़्यादा इधर उधर नहीं लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे हल्का सा डार्क लग रहा है, दैट्स इट। कंसीलर हम क्यों लगाते हैं? कंसीलर हम अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए लगाते हैं, ठीक है? तो मैंने अपने कंसीलर को भी ब्लेंड कर लिया है, तो अब बारी आती है अपने बेस को सेट करने की। तो मैं यहाँ पे मैवलिन फिट मी कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने बेस को सेट करूंगी। सेट करना है लाइक दिस, ऐसे करके आपको प्रोडक्ट लेना है, एंड ऐसे ऐसे करके थोड़ा एक्सेस जो प्रोडक्ट है उससे डैप करके निकाल देना है। हमारा बेस जो है सेट हो चुका है, तो इसके बाद बारी आती है ब्लश लगाने की। तो ब्लश और कॉन्टोर की, तो कॉन्टोर अगर आप बिगिनर हो तो कॉन्टोर आप के पंगे में मत ही पड़ो, आप धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाओगे, आप सीखते जाओगे, तब आप कॉन्टोर करना। तो अभी आप बिगिनर हो तो आप कॉन्टोर को स्किप करना, ठीक है? नहीं तो आपका जो भी किया है आपने वो सब बेकार हो जाएगा। तो हम ब्लश पे आते हैं, ठीक है? तो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे स्टील पैलेस का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक पिंक कलर लूँगी। आपको स्माइल करना है ऐसे। ब्लश हमारा हो गया है, ब्लश के बाद बारी आती है हाईलाइटर की। तो हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिमर ब्रिक्स का हाईलाइटर। इसमें आपको 6 कलर मिल जाते हैं, हाँ 5 कलर मिल जाते हैं अलग अलग कलर के, और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो आप इससे ट्राई कर सकते हो।
आप हाइलाइटर लगा सकते हो उस टाइप के फैन ब्रश की हेल्प से, या फिर आपके पास अगर नहीं है, जानती हूँ आप बिगनर हो तो आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होगा, तो आपके पास अगर ब्लेंडिंग ब्रश है इस टाइप का छोटू वाला भी, तो आप उसको क्या करो ऐसे करके ऐसे दबा देना, फिर ये आपका छोटू सा फैन ब्रश बन जाता है, देन आप ऐसे करके लगा सकते हो। मैं भी कभी कभी ऐसे ट्राई करती हूँ, कभी ट्रैवल करती हूँ, मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट ले जाना नहीं होता, मतलब मुझे नहीं ले जाना होता कि हाँ इतना सारे प्रोडक्ट लेता हूँ, मैं ये ऐसे ट्राई कर लेती हूँ। तो फिलहाल अभी मेरे पास है तो हम इसी से लगाएंगे। ओके, हमने हाइलाइटर भी लगा लिया, हमारा फेस का जो मेकअप है ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं पूरा डन हो गया, बचा है हमारा आई मेकअप, आईब्रो एंड लिपस्टिक। तो आईब्रो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मेरे आईब्रो बहुत ही कम है तो मैं आईब्रो करूंगी, अगर आपके थोड़े बहुत भी आईब्रो हैं, मेरे से ज़्यादा थोड़े बहुत है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ इसे ऑर्गेनाइज कर लो, लाइक ऐसे कॉम कर लो ऐसे ऐसे करके, फिर भी ये बहुत प्यारे लगते हैं और बिल्कुल ही नेचुरल लगता है और डे टाइम के लिए परफेक्ट है और बिगनर के लिए बिल्कुल सटल है, बहुत अच्छा है। तो बट मेरा तो बहुत कम है तो मैं तो आईब्रो करूँगी। तो आईब्रो करने के लिए हमें कुछ इस टाइप के ब्रश चाहिए होते हैं, एंगुलर छोटे वाले, ऐसे ऐसे वाले आपको ब्रश चाहिए होते हैं। ठीक, मैं अपने आईब्रो को फिल करने के लिए ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट, आई शेडो पैलेट, इसमें से ही मैं एक ब्लैक कलर है, इसमें से ही मैं ये ब्लैक कलर ले लूँगी, इसी से फिल करूँगी, आपको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। मैं कभी कभी क्या करती हूँ, आई शेडो पैलेट में जो डार्क ब्राउन होता है उसी से अपने आईब्रो को फिल कर लेती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है। चलो आओ सीखते हैं आईब्रो करना। आईब्रो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करते कभी भी फिल करना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको यहाँ से लेना है ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन लेना है। मैंने जानबूझ के ब्लैक कलर लिया है, आप डार्क ब्राउन कलर लेना, ब्लैक मत लेना, ठीक है। एंड उसके बाद हम बीच वाला भी ऐसे धीरे 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 करके फिल करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम ऐसे नीचे जाएंगे, और यही जो प्रोडक्ट बचा है आपको फिर से प्रोडक्ट नहीं लेना है, इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है, और जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बचा है उसी से आप अपना पूरा आई मेकअप करेंगे, लाइक मतलब आईब्रो करेंगे, फिर एक नीचे से हल्का सा ऐसे करना है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे से कर देंगे। दैट्स इट, आप देख सकते हो बिल्कुल ही नेचुरल लग रहा है, दोनों में कंपेयर करो, ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज लग रहा है, ये ऑर्गेनाइज लग रहा है, सिट लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये नकली है, मतलब मैंने आईब्रो फिल करा है, तो आप ऐसे आईब्रो कर सकते हो। ओके, तो अभी हमारा आईब्रो हो गया, आईब्रो के बाद हम अपना आई मेकअप करेंगे, तो आई मेकअप करने के लिए भी हम सेम पैलेट यूज़ करेंगे, और इसमें हम कलर लेंगे न्यूड, ये वाला लेंगे और थोड़ा सा ये लेंगे, ये दोनों मिक्स करेंगे, ठीक है। पता है आई शेडो ब्लेंड करने का मैंने बिना एक तरीका होता है, क्या होता है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड करके ऐसे ऐसे ब्लेंड करते हुए पूरे लिड पे आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। ओके, तो हमारा आई मेकअप हो गया है, मतलब आई शैडो मैंने लगा लिया है। इसके बाद बारी आती है लाइनर लगाने की, आई लाइनर लगाने की। तो मैं क्या सोचूँ, मैं सोच रही हूँ कि लाइनर को मैं स्किप करूँ। वैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी अफोर्डेबल में, इफ़ यू आर अ बिगनर तो लैक्मी आइकॉनिक का ये काजल अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो मैं लाइनर नहीं लगाती हूँ, डायरेक्ट मैं मस्कारा लगाती हूँ उसके बाद ही। तो मेरे पास ये आई कर्लर है, तो मैं इससे थोड़ा कर लेती हूँ। ये जो है ऑप्शनल है, अगर जो आपके पास है तो आप करो, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। थोड़ा अपलिफ्टेड लग रहा है ऐसे ऊपर, ये नहीं लग रहा, तो इसे भी हम कर लेते हैं। ओके, तो आई कर्लर के बाद हम लगाएंगे मस्कारा। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मार्स का मस्कारा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छा है, तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मार्स का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये वाला आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, और ये उजरा चमन टाइप लग रहा है। ये वाली आंखें कितनी प्यारी लग रही है, और ये वाली उजरा चमन लग रहा है ऐसा। तो फटाफट से दूसरे आईज में भी कर लेते हैं। अगर आपको कभी लगे ना कि आपने बहुत ज़्यादा ही मस्कारा लगा लिया है, आपका जो ये है चिपक चिपक गया, तो आप निकाल सकते हो, अगर जो आपको लगता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया, जैसे मुझे भी लग रहा है कि इसमें ना कुछ ज़्यादा ही लग गया, तो मैं ये स्पूली से ऐसे रिमूव कर ले रही हूँ।
परफेक्ट, तो अब हमारा ये परफेक्ट है। ओके, तो अभी हमारा जो है आई मेकअप हो चुका है और देख सकते हो कि तब फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है और उभरा उभरा सा लग रहा है, लग रहा है कि मैं जगी हुई हूँ, ऐसा लग रहा था, सो रही हूँ। तो अभी बस हम लिपस्टिक लगाएंगे और हमारा ऑलमोस्ट मेकअप पूरा डन है। तो आप एक न्यूड सा लिपस्टिक लगा सकते हो या फिर आप चाहो तो लिप टिंट भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक न्यूड सा लिपस्टिक लगाऊंगी, दिस इज फ्रॉम फेस टच इन दी सेड 11। तो मैं इसे लगाऊंगी। इसका नाम पैकेजिंग मुझे बड़ा क्यूट लगता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पुश करो एंड यहाँ से नीचे से निकल के आता है बुलेट लिपस्टिक, तो मुझे बड़ा प्रीटी लगता है। ओके, तो हमने लिपस्टिक लगा लिया और आप देख सकते हो कितना ऐसा लग रहा है ना, मैंने ग्लॉस लगाया बट स्टिल मैंने कोई ग्लॉस नहीं लगाया है। ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छा है, आपके लिप पे ना ऐसे ग्लॉसी इफेक्ट दे देता है और ऐसा लगता है मक्खन सा ग्लाइड करती है एकदम स्मूथ स्मूथ, तो मुझे बड़ा पसंद है। तो हमारा ये जो मेकअप है पूरा कम्प्लीट हो गया है। आपको ये लुक कैसा लगा हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। ये वाला लुक आप अगर ऑफिस गोइंग गर्ल हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो, आप कॉलेज जाते हो ऑफिस जाते हो तो कर सकते हो डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी। अगर आप बेडिंग में, अगर आप टीनेजर हो तो आप बेडिंग के टाइम भी कर सकते हो क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी ग्लो करती है तो ज़्यादा नीड नहीं होता। इनफैक्ट मैं भी ज़्यादा मेकअप नहीं करती बैटिंग में जाती हूँ। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं मेकअप वाले उनको लगता होगा मैं कितना मेकअप करती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ वीडियो के लिए ही मेकअप करती हूँ, अदरवाइज मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप फ्रेंडली नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। तो ये मेरा लुक है और मैं ऐसा ही मेकअप, मैं भी अगर कहीं जाना होता है वेडिंग या फिर कहीं भी जाना होता है तो मेरा ये ना सिग्नेचर मेकअप लुक है, मैं यही करती हूँ, नेचुरल एंड बहुत क्यूट सा। तो अभी मुझे निहार लो आप। ओके गाइस, तो आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। और या वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना यार। देखो क्या होता है जब आप लाइक करते हो ना तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और मुझे ना एक पॉजिटिव सा वाइब आता है और मुझे लगता है या मुझे और करना है, आप लोगों के लिए और वीडियो बनाना है। और कुछ लोग मुझे इंस्टा पे बोल रहे थे कि दी मुझे आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो डियर आप लोगों ने जिन जिन को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने जो है नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके नहीं रखा हुआ होगा। जब आप सब्सक्राइब करते हो उसके बगल में घंटी सा पॉपअप करके आता है, आपको उसे ऑल पे जाके प्रेस करना है, ठीक है, तभी आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बगल में जो घंटी है उसे ऑल पे जाके प्रेस कर देना है, तो यही रीज़न होता है ये बोलने का। तो जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा पा रही है तो आप लोग एक बारी चेक कर लो कि आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखा है या नहीं। अगर नहीं करके रखा है तो प्लीज़ ऑन कर लो। और मेरा मेकअप वाला वीडियो जब भी मैं बोल के बनाती हूँ तो मेरा बहुत लॉन्ग हो जाता है क्योंकि मेरा ना एक ये मानना है कि अगर जो हम किसी चीज़ को कुछ बता रहे हैं तो उसको डिटेल में बताएं ताकि सामने वाले को समझ में भी तो आए, ऐसा ना हो कि मतलब हम करके चले जाएं बस देखिए और कुछ समझ में भी नहीं ना आए तो फिर देखने और बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो यार गाइस आज के हमारे वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय।